कहते अब ना आपकी जॉलाइन दिख रही है। मैंने बोला जॉलाइन दिखने के लिए ना जॉलाइन होनी भी चाहिए। बस सुबेरे शाम छोले भटूरे बेडमी पूरी पिज्जा बर्गर पैटी। चलो एक फन पोल टाइप सा करते हैं, आपको क्या लगता है कितने का मेरे को छाता मिल जाएगा, कमेंट्स में बताओ। वेलकम है जी आपका एक और डेली ब्लॉग में। आज है वेडनेसडे का दिन और हम लोग अपना सुबह सुबह का नाश्ता शुरुआत कर रहे हैं बेसन के चीलों से। बहुत मतलब दिनों बाद, आई थिंक महीनों बाद बेसन के चीले खा रहे हैं घर में। उत्तपम सूजी वाले चीले ज्यादा खाते हैं। आज वो वाला दिन भी है जब हम लोग अपनी कटिंग करवाएंगे। चलिए ब्लॉग चालू करते हैं। एज मच एज आई लव लंबे हेयर, सिर्फ 10 में से 2 बार ही अच्छे लगते हैं, बाकी 8 बार ना ऐसा लगता है अपना जुलूस निकल रहा है। कौन कौन सी होती है ये? रामा श्याम दोनों, एक रामा तुलसी एक श्यामा तुलसी। चाय वगैरह में भी डाल सकते हैं। इसमें नींबू का नींबू वाला है ये नींबू जैसे लग रहे हैं, छोटे छोटे से लगे हैं, कोई कांटे भी हैं नींबू में तो होते हैं। कड़ी पत्ता आ गया आपका फाइनली, अब यूज कर सकते हैं। सांबर बना रहा था ना उस दिन, यूज नहीं करा कि आपका कड़ी पत्ता ना खत्म हो जाए। आ गए पर वो अब थोड़े आ गए, तब नहीं थे। हमारा पहले कड़ी पत्ता बहुत बड़ा था ना, उसके कंपैरेटिवली छोटे को देख के डर लगता है कि खत्म ना हो जाए। और एक वो चांदनी में तो बर्ड्स निकले हुए हैं, ये वाला इसमें कौन से कलर का निकलता है? इसमें सफेद। वो पिजन्स को वो देते हैं ग्रेन्स वगैरह, खाना डाला हुआ इसी में ग्रेन्स। ये मेरी दूसरी मील है, सुबह ब्रेकफास्ट करा वेरी जल्दी उठ के और अब पनीर वाले चीले खा रहा हूँ। पनीर वाले चीले कैसे लगे आपको चीले आज का ये वाला ब्रेकफास्ट? है ना टेस्टी? आज तो अकेले सैंडविच खा रहे हो, याद आ रही होगी बड़ी पनीर सैंडविच। बहुत टेस्टी बना मेरे साथ। पर आप मुद्दे से मत भटको। क्या मुद्दा? मुद्दा ये क्या गाइस? मुद्दा क्या? मुद्दा ये है कि आज आप अकेले सैंडविच खा रहे हो। ओहो हो, कोई नहीं बड़े पाजी, बड़ी याद आ रही है, समझता हूँ मैं। तुम्हारे किसकी याद आ रही है? मैं मतलब मैं कि ये मैंने ऐसे मूवीज वगैरह में देख रखा ना कि ऐसे याद आती है, वेब सीरीज वगैरह में ऐसे ऐसे देखा मैंने, ऐसे मुझे पता है। चलो आराम से खाओ अपना बढ़िया सा सैंडविच। आज पापा ज्यादा बोलो मत, बोलो मत, बोलो ना, याद आ रही है भाई को। सुंदर बेबी बन गया है तो कौन सी पिक्चर का गाना है? याद आ रही है तेरी पूरा चेंज करने जा रहे हैं आज ना, दिन ऐसे ही जा रहा है वो। अभी 31 जुलाई आ रही है भाई, पता नहीं, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि सारी ITR 31 जुलाई को बढ़नी है। और इस बार तो बोल रहे हैं बहुत स्ट्रिक्ट डेडलाइन है, डेट एक्सटेंड ही नहीं होने वाली। तो अगर आपने ITR अपनी नहीं भरी है तो कृपया करके भर दीजिए। तो अभी मैं तो सुबह से वो चीजें बैक एंड फोर्थ लगे हुए हूँ CA साहब के साथ, और अभी कटिंग वटिंग भी करवानी थी, साथ में अपना काम भी चली जा रहा है, यही चल रहा है आज का दिन। चलिए कटिंग करवाते हैं और हुलिया चेंज कराते हैं अपना। भाई साहब DC चौक जैसे एरिया में पार्किंग ढूंढना ना, और वो भी शाम के टाइम पे, इट इज वेरी डेंजरस। भाई साहब कितनी पास से कट मारा उसने, बट अब क्या करें, जगह ही नहीं है उसके पास, पार्किंग कहाँ मिलेगी। DC चौक यहीं लगा देते हैं। हाँ ये बढ़िया स्पॉट है, ब्लॉगिंग बाद में कर लेंगे, इससे पहले कोई हमारा स्पॉट ले ले पार्किंग लगा देते हैं। मैंने कटिंग कराई थी अपनी शिमला जाने से पहले, आई थिंक हाँ शिमला जाने से पहले कटिंग कराई थी, और अब आप देख लो कितना ही टाइम हो गया है। उसके बाद फिर थोड़ा बीमार वगैरह भी पड़ गए थे, फिर अब ठीक हो गए हैं। फिर जो हमारे कटिंग वाले भैया हैं वो बिजी थे, सबका स्केड्यूल है। और दाढ़ी में ना इस अभी इसलिए नहीं कटवा रहा था क्योंकि दाढ़ी मतलब खुद से कर रहा था, क्योंकि अगर दाढ़ी खुद से कर लेता हूँ ना तो फिर भैया बोलते हैं दाढ़ी आपके पास ज्यादा बची नहीं, आपकी और पतली करनी पड़ेगी। मैंने ठीक है एक बार आपके पास आराम जो करना करो, बढ़िया बना दो लुक। ये है बिफोर लुक, अब आफ्टर लुक देखेंगे। भाई कोने कोने में पार्किंग मिलती है, इधर एक कोने में एक गाड़ी, एक कोने में एक गाड़ी। आपको लगेगा गाड़ी नहीं निकलेगी, बट ये प्रो लेवल ड्राइवर्स होते हैं, निकाल लेते हैं भाई। थोड़ा यूज टू होने में टाइम लगे, एक दो दिन। जो हमारे कटिंग वाले भैया कहते हैं अब ना आपकी जॉलाइन दिख रही है, मैंने बोला जॉलाइन दिखने के लिए ना जॉलाइन होनी भी चाहिए, आपने तो काट दिया पर जॉलाइन है ही नहीं। ये है भाई 17 सेक्टर की मार्केट, जो लोग रोहिणी में रहते हैं उनको पता है, दिस इज लाइक कैसे समझाऊं, यहाँ पे अच्छा रीजनेबल किफायती सामान मिल जाता है। तो द इशू इज कि बारिशें आ गई हैं, सबको पता है अब बारिशें आ गई है ना, तो ऑनलाइन हर जगह पे छाते के प्राइसेस बढ़ गया। मेरे को लगा घर बैठ के छाते मंगवा लेंगे, 400 रुपए के, 500, 800 रुपए के छाता, 800 रुपए का एक छाता, क्या हीरे मोती लगे हुए उसमें। अब घर के सारे छाते पता नहीं कहाँ खो गए, 2-3 छाते चाहिए हम लोगों को। अब भाई 2500 रुपए के छाते मंगवा लेंगे हम लोग, पीछे पार्किंग निकली यार, पर बैक करने में अब थोड़ा वो लग रहा है। ये मेन मार्केट शुरू हो गई अब 17 सेक्टर की,
पार्किंग जैसे ही दिखेगी हम लोग गाड़ी डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग बड़ी मुश्किल से मिलती है। सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है, देखो बादलों का कलर यहाँ पे कितना बढ़िया बना हुआ है। पूरी ये वाली गली देख ली, गाड़ी की पार्किंग नहीं मिली, एक स्पॉट था बट वो मिस हो गया था, बैक कर नहीं सकते थे इतनी। अब अपनी किस्मत इस साइड पे आजमाएंगे। चलो एक फन पोल टाइप सा करते हैं, आपको क्या लगता है कितने का मेरे को छाता मिल जाएगा कॉमेंट्स में बताओ। आई फील की आई कैन फाइंड अ छाता अंडर 250 रुपीज। चार छाते लेने हैं, 1000 रुपए में चार छाते आ जाएंगे। वीडियो के एंड में बताऊंगा कितने का छाता लिया, आप अभी ऑनेस्ट गेस करना, ऐसा नहीं कि वीडियो एंड के स्किप करके देख लिया और फिर उसके बाद कमेंट कर रहे हो। ऑनेस्ट आंसर, कितने का छाता लगता है मिल जाएगा। छाता लेने निकले मैं भाई साहब, क्या मतलब, ऐसे फीलिंग आ रही है ना कि बड़े वाली शॉपिंग कर रहे हैं। स्कूल में निकलते थे कॉस्को की बॉल लेने, बैट लेने, अब छाता लेने जा रहे हैं छाता। कैसे तैसे करके पार्किंग तो मिल गई और साथ में ना नई वाली ब्रेजा खड़ी हुई है। अभी पीछे कुछ दिनों पहले ना ब्रेजा दिखी थी, 10-15 दिन पहले व्लॉग में भी दिखाई थी, उसके टायर्स वगैरह बड़े अजीब से लग रहे थे। ये वाली ब्रेजा बहुत अच्छी लग रही है, नई वाली, कलर भी इसका बहुत अच्छा है। बाहर से देखते हो और अपना छाता लेके आते हैं, छाता चाहिए भाई बताओ। वो ऑटोमेटिक है, लग भी अच्छी रही है, पीछे से लुक्स बड़ी प्यारी है इसकी ना ब्रेजा की, पीछे से लुक्स, बैक लुक्स आर ब्यूटीफुल। पार्किंग हमारी कहाँ लगी है भाई, इग्नोर करना जरा, जहाँ मिल गई पार्किंग लगा दी। आगे से ऑल्सो लुक्स वेरी नाइस, अच्छी है, मतलब मुझे लुक्स अच्छी लगी। एनीवे लेट्स गो एंड फाइंड आवर छाता। ये इतनी सी मार्केट है, यहाँ पे मदर डेयरी है, यहाँ से मार्केट चालू होती है, अगले चौक तक जाती है और उस दो के बीच में ही मार्केट है। छोटी सी मार्केट है बट ऑलमोस्ट सारा दुनिया भर का सामान तामझाम आपको यहाँ मिल जाएगा। और हम लोगों ने ले लिए चार छाते, आपके लिए गेस करना है क्या प्राइस था इसका, ब्लॉक के एंड में बताऊंगा। दो अच्छे प्राइस पे मिल गए, दो नॉट सो अच्छे प्राइस पे मिल गए, मतलब थोड़ा और देख लेता बट ठीक है, आई एम नॉट वन ऑफ दोस पीपल जो जाके ना 10 दुकानें जाके बहुत सस्ता प्राइस 100 रुपए बचाने के चक्कर में। पर हम लोगों ने ऑनलाइन से तो काफी ज्यादा पैसे बचा लिए, मतलब ये चार छाते ऑनलाइन लेते ना तो कम से कम 3,500 के तो पड़ ही जाते। और अभी जो मैंने लिए ना, आप गेस करो भाई, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत क्लूज दे दिए। हाँ जी, अब छाता वाता लेके आए हैं, खाना खा रहे हैं। ये पनीर सैंडविच भाई के लिए बनाया था मैंने सुबह, भाभी वाली रेसिपी है, एकदम मस्त। इसमें पनीर डलता है, इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डलता है और ब्लैक पेपर, नमक, टमाटर, और ये चीला है, और ये ब्रेड है, और ये है बहुत सारी हरी चटनी। भाई मेरे कमरे में आ रखी है एक मक्खी, जिसको मैंने 3 दिन तो टॉयलेट कर लिया, चौथे दिन मैंने बोला भाई ये, मैंने AC चलाते हुए इसका दरवाज़ा खोल दिया कि भाग जाए, अपने आप नहीं भागनी। अब आई हैव टू टेक मैटर्स इन माई ओन हैंड। वेर आर यू मक्खी, टुडे आई विल डू सर्वनाश। अरे भाई काम आ गएगी मेरे से, अब हो गया तेरा, या तो निकल जा, मैंने दरवाज़ा खोला छोड़ दिया, मक्खी निकल जा मक्खी, और कोई चारा नहीं है तेरे पास। आई डोंट थिंक रैकेट में भी नहीं, रैकेट में तो चार्ज है, रैकेट में चार्ज है, मक्खी नहीं मिली अब। चलो गाइस, मक्खी मिलेगी तो अपडेट करेंगे। तुम नहीं सुन रहे मक्खी, तुम नहीं जानते इसका क्या परिणाम होगा, अंजाम होगा। चेक कर लो इसकी फुल स्पेसिफिकेशंस, ऑल राइट टास्क मक्खी। ये होता है खाना, घर का पौष्टिक खाना जो हो टेस्टी, जिसके अंदर से पापा टैक्स लग जाए। सर धन्यवाद आपका ये दाल रोटी दिखाने के लिए, नहीं तो आप तो दिखाते ही नहीं हो। ये दाल का भी पुष्टिकरण करा दो ना, कौन सी दाल, ऐसा लगता है जैसे पापा भाजी, तो मतलब की सुबह सुबेरे शाम छोले भटूरे बेडमी पूरी पिज्जा बर्गर पैटी यही खाते हैं बस। खाना है। दाल रोटी आप दिखाते ही नहीं। आपने आज दाल खाई कि नहीं खाई ये बताओ पहले, सच सच बताना। मैंने बेसन का चीला खा लिया था ना, जो आपने एक्स्ट्रा बनवा लिया था। मैंने नहीं एक्स्ट्रा बनाया, आपके भ्राता श्री ने नहीं खाया था, किसी का तो खाना था, मैंने खा लिया। तो उन्होंने भ्राता श्री ने नहीं खाया, उनका मन नहीं करा खाने का। पर क्या करे आज तो मन, आज क्या करे भाई, उसके मन का भी क्या करे, भ्राता श्री का मन आज थोड़ा सा अगले कुछ दिनों तक, क्या अगले करे अगले कुछ दिनों तक, एक हफ्ते तक, कोई नहीं पापा, एक हफ्ते तक। चलो खाना खाओ अपना। चला भाई, आई विल एंजॉय माय दाल रोटी, ग्रीन दाल, लाइट ग्रीन दाल, वेरी गुड। ये भी उनके कहने पे बनी आज। ये रे चश्मे, बाल कटवा के आए काका जी, चश्मे गाड़ी में भूल गए, आधी रात को टीवी देख रहे थे, दिक्कत हो रही थी। उन्हें स्पेक्स का ज़्यादा नंबर नहीं है बट अब क्या है ना, आदत होगी एक तो स्पेक्स के साथ में, और प्लस क्या है
आप आई तो फील आप अगर आपका नंबर बहुत ही कम हो ना 0.25 से जीरो नंबर भी हो ना तो ये कंप्यूटर टीवी फोन के साथ तो एटलीस्ट स्पेक्स लगा के देखने चाहिए थोड़ा तो चलो बचाव हो। एनीवे वो सब बात की बातें हैं। तो व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है। मैंने आपको बोला था मैं आपको बताऊंगा व्लॉग के एंड में क्या प्राइस है छातों का। क्या जमाला आ गया भाई छातों की शॉपिंग करते हैं। एनीवे 250 रुपये के छाते मिले भाई मेरे को लगा था 150 के मिल जाएंगे बट चलो एनीवे बट मेरा जो बजट था उसके अंदर मेरे को छाते मिल गए। और अपेरेंटली कलर वाले छाते सस्ते मिले ब्लैक वाले छाते महंगे मिले क्योंकि उनकी थोड़ी क्वालिटी डिफरेंस वगैरह थी ये सब था। अच्छा अब आप बताना कमेंट्स में गेस में आपने सही जवाब दिया था कि नहीं दिया था या नो चीटिंग ठीक है। ऐसा नहीं कि आप वीडियो के एंड में आ गए और आपने देख लिया हो कि भाई 250 का छाता था ब्लैक वाला और कलर वाला तो बताया नहीं कलर वाला था 200 रुपये का मिल गया था मेरे को। अपेरेंटली अगर आपको लड़कों के छाते देखने हैं तो आपको सिर्फ ब्लैक कलर मिलेगा। ये मेरे साथ हुआ मैंने तीन दुकानों में पूछा तीन दुकानों में कहते किसके लिए छाता चाहिए लड़के के लिए चाहिए लड़की के लिए चाहिए। मैंने बोला क्या फ़र्क होता है कहते कोई फर्क नहीं होता कलर का फर्क होता है। मैंने बोला लड़कों के छाते में कलर नहीं आते नहीं ओनली ब्लैक। ये भी सही है वैसे ब्लैक कलर मुझे बहुत पसंद कुर्सी भी ब्लैक है जूते भी ब्लैक है माइक भी ब्लैक है मेरे को ब्लैक कलर बहुत पसंद है बट चॉइस ही नहीं दे रहे यार आप तो मतलब कभी कभार आपका मन करता है कि आप जाके देखो गल्ले के खेत उसके बाद यू डिसाइड कि मेरे को वहाँ पे नहीं रहना बट आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि गन्ने के खेत देखने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। एनी वे ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं आज मेकओवर करा एक तो कटिंग करवाई इतने टाइम बाद और छाते की शॉपिंग करी यार छाते की शॉपिंग। चलो बाय बाय टेक केयर एंजॉय।